नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना में। आज हम बात करने वाले हैं JSSC जूनियर इंजीनियर वैकेंसी 2023 के बारे में। तो यहाँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती निकाला गया है। तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन, जो कि विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आपको जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। परीक्षा शुल्क जो है आपको यहाँ पे 100 रुपया लगेगा। अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपया लगेगा। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे पद नाम बताया गया है, आरक्षण कोटी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। टोटल जो है यहाँ 26 वैकेंसीज है। अनारक्षित के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन लोगों के लिए 3 है। और यहाँ पे आपको बगल में खेल कूद किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को बांटा गया है। फिर अगर आप यहाँ पे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कनीय अभियंता असैनिक के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है 223 रखा गया है। फिर उसी तरह आप नीचे आइएगा तो यहाँ स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटल यहाँ पे 55 वैकेंसीज है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए करते हैं तो 16 वैकेंसीज है। फिर आपका यहाँ पे जल संसाधन विभाग के लिए यहाँ पे 30 है। नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो लेवल 4 का आपको पेमेंट मिलेगा 25,500 से लेके 81,000 रुपया। यहाँ पे आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको डिप्लोमा ITI किया हुआ होना चाहिए उत्तीर्ण में। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा 19,900 से लेके 63,200 तक। आपको यहाँ पर मान्यता प्राप्त औद्योगिक परीक्षण संस्था से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। कन्या अभियंता यांत्रिक अगर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया तक। आपको यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। आपको यहाँ डिप्लोमा और ITI किए हुए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपको डिप्लोमा या ITI किया हुआ होना चाहिए, तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। न्यूनतम जो उम्र रखा गया है वो 18 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन लोगों का 35 साल मैक्सिमम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे 37 साल रखा हुआ है पुरुष के लिए। और महिला के लिए अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन लोगों का 38 ईयर्स रखा हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 साल रखा गया है। परीक्षा का स्वरूप जो है यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पे 1 अंक कटेगा। कुल जो यहाँ पे आपका प्रश्न होगा 120 रहेगा। आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। सामान्य अभियांत्रिकी के लिए 80 प्रश्न रहेगा और सामान्य ज्ञान के लिए 40 प्रश्न रहेगा। फिर आपका यहाँ पे पत्र 2 विषय अभियांत्रिकी, कुल प्रश्न 120 रहेगा। परीक्षा का विधि 2 घंटा का टाइम रहेगा। पद और सेवा का नाम आपको यहाँ पे बता दिया गया है। परीक्षा के विषय यहाँ पे बता दिया गया है। ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, अगर आप एप्लीकेबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा।